हमें गणेश चौक पर जो कि बोरडी का बहुत ही फेमस जंक्शन है, यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति है जो कि टू साइडेड फेस है। गाइस ये जो आपको रिजर्वर दिख रहा है यहाँ पे ना, ये टेरी डैम है। मैं सोचा नहीं था इतनी जबरदस्त मार्केट है यहाँ पर। व्हाट इज अप गाइस, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सब लोगों का इस नई वीडियो में। और भाई आज मैं जा रहा हूँ RTO ऑफिस, जो कि यहाँ से बहुत दूर है। RTO ऑफिस काफ़ी दूर है, वहाँ पर मैंने लाइसेंस किया था अप्लाई लास्ट वीक और उसे आज मेरा टेस्ट है। वहाँ पर लर्निंग सर्टिफिकेट, लर्निंग लाइसेंस आज मेरे को मिलेगा अगर मैं पास हो गया तो, और होपफुली मैं पास हो जाऊँगा और फिर हम अपनी गाड़ी पे फियरलेसली, मतलब बिना किसी रोक टोक के आराम से गाड़ी चला लेंगे। तो 11 बजे का मेरा अपॉइंटमेंट है और 7 बज चुके हैं और गाड़ी ट्रांसपोर्ट का सिस्टम मुझे कुछ पता नहीं कैसे जाना है, तो जल्दी से जल्दी चलता हूँ क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ। और आगे मिलता हूँ आपको रास्ते में, कैसा क्या सब कुछ होता है आपको बताता रहूँगा, ठीक है ना भैया। रोड पर हम अभी आ चुके हैं और इंतज़ार हो रहा है हमारे विक्रम का। सुबह सुबह का नज़ारा ऐसा है, यहाँ से सनशाइन हो रहा है और ये हरियाली। रोड पे हम आ चुके हैं लेकिन अभी विक्रम का इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे जल्दी विक्रम मिलेगा आगे निकलेंगे फिर हम, है ना। सो होपफुली जल्दी पहुँच जाएंगे टाइम से यार, दिक्कत ना हो बाद में। दिन तक आया था मैं विक्रम में और विक्रम से रोड क्रॉस करके मैं इस तरफ आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं इंतज़ार कर रहा हूँ लगभग बस का, जो कि मुझे लेके जाएगी ऋषिकेश, फिर ये चंबा, जहाँ कहीं भी हो वहाँ मिले। लेकिन बस अभी आई नहीं है यार, यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं रोड के बाद। यहाँ पर बहुत सारे विक्रम आपको विश्राम पुल लेकर जाएंगे आ जाएगा वही रात के विक्रम रहते हैं, लेकिन हमें करना बस से इंतजार है कि हमें ज़्यादा जगह सुना ना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी पहुँचेंगे। कम से कम ऋषिकेश तक तो पहुँचना ही चाहिए यार, पीछे देखो सूरज निकल रहा है। ऋषिकेश पहुँचने के बाद वहाँ से ऐसा कि कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, तो मेन है यहाँ से ऋषिकेश निकलें पहले और डायरेक्ट मिल गई तो वो भी बहुत अच्छी बात है। हम रुके चाय नाश्ता के लिए और हमारी बस यहाँ पे खड़ी है, थोड़ी देर में निकलेंगे जब नाश्ता पानी हो जाएगा सबका। होपफुली हमें लेट नहीं होगा, 11 बजे अपॉइंटमेंट है तो टाइम से पहुँच जाऊँगा, होपफुली जल्दी चलेगी बस। भैया ये चंबा का मार्केट और यहाँ से निकल रहे हैं हम नई डेरी के लिए, बस मिलेगी तो यहीं से पकड़ेंगे हम। भाई अभी हमें नई टेरी बोराड़ी पे और यहाँ से हम ढूंढ रहे हैं RTO ऑफिस, थोड़ी देर में चलेंगे RTO ऑफिस। व्हाट इज़ अप गाइस, सो अभी RTO ऑफिस से मैं निकल चुका हूँ, मेरे पीछे ही RTO ऑफिस है। यहाँ पे करना कुछ नहीं है, बस ऑनलाइन टेस्ट होता है, बायोमेट्रिक और आपके हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट होगा और आधार कार्ड, वही डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटी यहाँ पे कंप्लीट करनी पड़ती है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लाने पड़ेंगे, हल्का सा टेस्ट और 20-25 मिनट में आपकी जो अप्लीकेशन है वो सक्सेसफुल हो जाती है। अगर आपने रिटर्न, मतलब जो टेस्ट होता है कंप्यूटर पे हल्का फुल्का, अगर वो आपने पास कर दिया है। तो अभी मैं निकल चुका हूँ ऑफिस से और निकलता हूँ मैं नई टेरी बस अड्डे पे, जो कि यहाँ पीछे है, और इसके बाद मैं निकलूँगा यहाँ से जल्दी ऋषिकेश या देहरादून, जो भी मेरे को मिलेगी जल्दी। और मौसम एकदम ज़बरदस्त है आज, बट यहाँ पर देहरादून एज़ कम्पेयर टू देहरादून और ऋषिकेश टेम्परेचर थोड़ा कम है, तो कपड़े थोड़ा गर्म पहनने की आवश्यकता है भाई। और देखता हूँ गाड़ी मिलती है इनकी नहीं मिलती है, फिर निकलेंगे घर की तरफ। तो अच्छा था, इतना कुछ खास है नहीं, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपने, सब हो जाता है यार। चलो फिर मिलते हैं आगे। तो भैया अभी हमें टीरी के अंतर्राज्यीय बस अड्डे पे, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते होंगे, और गाड़ी में ढूंढ रहा अभी लगी नहीं है, होपफुली थोड़ी देर में मिल जाएगी। तब तक हम यहाँ पर थोड़ा वी रोल शॉट लेने की कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी, है ना। बने रहो, कहीं मत जाओ, सब्सक्राइब नहीं किया तो फुल सब्सक्राइब करो पहले। बस अड्डे के अंदर अभी मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे मार्केट थोड़ा पुराने टाइप की है, लेकिन अंदर देखते हैं है क्या यहाँ पर। तो चलो फिर मार्केट घूमते हैं थोड़ा, जब आ गए हैं तो घूमना बनता है। तो गाइस ये सीढ़ियाँ और सीढ़ियों से ऊपर होती हुई ये है मार्केट। वैसे मैं बस का पता करने आया था, लेकिन सोचा थोड़ा घूम ही लेते हैं ऊपर, फिर दुकान बिकाऊ अगर लेने तो ले सकते हैं। सुपर तो ये यहाँ पे शॉप्स और पीछे भी शायद बस है, यहाँ से अंडरग्राउंड रास्ता ऊपर का हम आगे चल रहे हैं आगे, ये ग्रिल से होते हुए बाहर निकलते हैं। अभी हम निकल रहे हैं इस
अंडरपास से ऊपर और देखते हैं यहाँ पे है क्या। अभी तो सुनसान है, कोई है ही नहीं। चलो ऊपर देखते हैं क्या ऊपर। ओ भाई ऊपर भी शॉप्स ही हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर। मैं आया था टिकट का पता करना, लेकिन टिकट नहीं है यहाँ पर। दिखी मार्केट, तो मैं निकल रहा हूँ ऊपर। यही रास्ता शायद ऊपर जाने का। ये बस यहीं से मिल जाएगी ऋषिकेश की, नीचे से ये पीछे वाला हुआ भैया, या नीचे से? हाँ वहाँ पीछे जाना पड़ेगा। अच्छा वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ से रास्ता है, यहाँ से नहीं जाना। अच्छा वहाँ से लोग घूम के आता हूँ तब तक। ओहो मार्केट्स, थोड़ी मैंने कहा ढूंढ घूम लेता हूँ मार्केट में, घर तो हमेशा ही जाना है यार। चलो ओए हाय शानदार मार्केट है। खाना पीना तो ज़्यादा खाया नहीं, भूख भी लग रही थी सुबह को, बस सोचा मैं कि रास्ते में जो मिलेगा खा लेंगे। फिर कुछ नहीं, ऐसे टहलते टहलते आ रहा था, मार्केट दिखी, मैंने कहा मार्केट घूम लेता हूँ थोड़ा। बस करना क्या है, थोड़ा घूम के चलते हैं बाद में। मैं सोचा नहीं था इतनी ज़बरदस्त मार्केट है यहाँ पर, बहुत झकास। पतली गली है लेकिन दुकानें बहुत हैं यहाँ पर। देखो भाई सो अभी हम आए हैं शेरी में, और यहाँ पे एक गणेश चौक नाम की जगह जो कि बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे ऊपर आपको टेंपल दिख जाएगा, आई थिंक गुरुद्वारा है, और व्यू यहाँ से हिमालयन जो फुटहिल्स होते हैं उसकी पीक्स आपको दिख जाएंगी, और एक क्लाउड्स काफ़ी नज़दीक दिखते हैं यहाँ से, और खूबसूरती बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे चारों तरफ। हिमालयस में आप जहाँ भी आओ तो नेचुरल ब्यूटी आपको हर जगह दिख जाएगी। ये गणेश जी की मूर्ति है यहाँ पे, तो ये जंक्शन के नाम से ही यहाँ पे गणेश चौक है। व्हाट इज़ अप गाइस, अभी हमें गणेश चौक पर जो कि बोरडी का बहुत ही फेमस जंक्शन है, यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति हैं जो कि टू साइडेड फेस हैं। आप कहीं से भी देखो तो मतलब इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जहाँ से भी देखो आपको इनका सर मतलब साक्षात दर्शन हो, और यहाँ से आपको बस अड्डा मिल जाएगा। श्रीनगर पौड़ी घंटाल यहाँ से 56, पौड़ी 114, और श्रीनगर 85 किलोमीटर है, और ये कह सकते हैं हार्ट जो सेंटर है वही है। और यहाँ से जो व्यू है, नज़ारा है ना, वो एकदम ज़बरदस्त है। हिमालयन पीक आपको यहाँ से दिख जाएंगी, और ये चौराहा मतलब मेन है, यहाँ से हर जगह आपको गाड़ी मिल जाएगी, और मेन जंक्शन भी कह सकते हैं आप इसे एक तरह का। और यहाँ पे अभी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो आवाज़ का प्रॉब्लम होगा, और लोग जो भी टूरिस्ट या जो लोकल हैं यहाँ पर एक्चुअली सेल्फी या फ़ोटो लेने के लिए लगे ही होंगे, जहाँ तक आप देख सकते हैं। सुपर है भाई ये जगह, यहाँ पर आके दिल खुश हो जाता है। मतलब जो हिमालयन पीक है वहाँ पे एकदम पीस शांति आपको ज़रूर मिल जाए, चाहे आप कहीं भी चले जाओ। जो सिटी है ना वहाँ पे शोर और बिजी रहता है, यहाँ पे लाइफ एकदम ईजी गोइंग है, मस्त है एकदम ओरिजिनल, जिसे कहते हैं ना लिविंग लाइफ, यही लोग जीते हैं। तो भाई अभी मैं निकल रहा हूँ बस लेने के लिए नीचे यहाँ से, और मुझे लगा था यहाँ पे कुछ खास है नहीं, अगर मैं बस स्टॉप से ही नीचे निकल जाता ना सीधे, तो ये जो ब्यूटीफुल लोकेशन और जो ब्यूटीफुल व्यू हमने देखा है ना, ये नहीं देख पाते। इसीलिए कहीं भी आओ तो थोड़ा बहुत रिसर्च करनी और थोड़ा बहुत घूमना चाहिए, मतलब अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें होती हैं ना वो आपको दिख जाएंगी। अभी देर नहीं करेंगे, जो गाड़ी मिलेगी ना उसे लेके हम जल्दी निकलेंगे, क्योंकि फिर लेट हो रहा हूँ, फिर गाड़ी मिलना मुश्किल है मेरे को, और जल्दी निकलता हूँ, ऐसे पता करता हूँ भाई। 10 मिनट में घुमाऊँ ना, मज़ा आ गया, पूरे सफ़र की थकान होगी इतना ब्यूटीफुल व्यू देख के, है ना। तो नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो यार। चलो फिर मिलता हूँ, गाड़ी का इंतज़ार करता हूँ, जुगाड़ करते हैं इधर उधर कहीं। तो भैया बोराड़ी बस स्टॉप मेरे पीछे है, ऊपर मैं गणेश चौक भी गया था तो बस का कोई जुगाड़ नहीं हो पाया, तो यहाँ पर अभी हमारे एक साले साहब हैं, उन्होंने कहा कि शाही चौक नाम की जगह यहाँ पर, वहाँ पर चले जाओ आपको वहाँ पर बस मिल जाएगी।
और यहाँ से अगर मेरे को चंबा के लिए भी मिली ना तो वहीं से भी निकलूँगा मैं। और नज़ारे भाई यहाँ से एकदम ज़बरदस्त हैं, नेचुरल ब्यूटी एकदम चारों तरफ। और विंटर में जब यहाँ पे स्नोफॉल होता है ना तो यहाँ का नज़ारा देखते ही बनता है। पीछे दिखाता हूँ आपको एकदम बैकग्राउंड, ये देखो वाह, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, धुंध है ना, मतलब तेज़ धूप है, साफ नहीं है, लेकिन जो मेरे को दिख रहा है ना वो भाई अमेजिंग है। आई फॉल इन लव विद टेरी यार। सो गाइस, ये जो आपको रिजर्वर दिख रहा है यहाँ पे ना, ये टेरी डैम है। जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको कितना हो सकता है। तो भैया यही है टेरी डैम, एकदम अमेजिंग व्यू है यहाँ से। और सर्दियों में देखो जब बर्फ़ गिरती है ना टॉप पे तो और ही मज़ा आता है। और क्लाउड देख लो आप कितने ज़बरदस्त हैं यार एकदम। मैं DSLR कैमरा नहीं रहा हूँ, मोबाइल से शूटिंग कर रहा हूँ, GoPro भी मेरा बैटरी ख़त्म हो गई है इसलिए क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं, लेकिन व्यू के सामने क्वालिटी क्या चीज़ है यार वो। सो ये जंक्शन पे आपको साईं बाबा की मूर्ति दिख जाएगी। ये रोड है और यहीं का नाम है शाही चौक, और मैं सोचा था शाही चौक है लेकिन ये साई चौक। तो यहाँ से नई टेरी के लिए मिल रही है, लेकिन नई टेरी नहीं जाऊँगा मैं, कोई बात पड़ती है। होपफुली यहाँ से बस मिलेगी और सीधे चंबा निकलेंगे हम फिर। तो अभी मैं आ चुका हूँ देहरादून, नटराज चौक तक मैं बस में आया और यहाँ से इस मैक्स में विश्वनाथ पुल निकलता हूँ। जल्दी निकलेंगे तो अच्छा रहेगा टाइम पर।